सतना सिंहपुर थाने में प्रभारी द्वारा की गई हत्या। राजपति कुशवाहा, जिस व्यक्ति की सिंहपुर थाने में हत्या कर दी गई उस पर उसके जीवन काल में कभी भी किसी को गाली देने का आरोप नहीं लगा, उसे थाने में चोरी के आरोप में ले जाकर थाना प्रभारी द्वारा गोली मार दी गई। सतना विधायक सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा जी डब्बू भैया भी सिंहपुर थाने के सामने परिजनों के साथ धरने पर बैठे। सभी की मांग है कि सिंहपुर थाना प्रभारी व उसके सहयोगियों पर 302 का मुकदमा दर्ज हो, सभी को नौकरी से तत्काल बर्खास्त किया जाए, परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा व बेटी को नौकरी। जब तक ये मांगे नहीं मानी जाती तब तक धरना चलता रहेगा। चैनल कैमरा 24। हाँ ठीक है, दूर दूर से। प्रभारी और उसके सहयोगियों द्वारा राजपति कुशवाहा की पुलिस अभिरक्षा में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं कि एक ऐसे निर्दोष व्यक्ति जिसके खिलाफ किसी भी थाने में किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं है और उसे झूठे एक चोरी के आरोप में थाने में बंद कर वहां के थाना प्रभारी और उनके सहयोगियों द्वारा गोली मारकर जो हत्या कर दी गई है, मैं इस घटना को लेकर के शासन से अनुरोध कर देना चाहता हूं कि इस घटना के आरोपी थाना प्रभारी उनके सहयोगियों पर धारा 302 का मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। अगर सरकार ने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया, आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिलाया गया, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। अभी तो सतना के विधायक भाई सिद्धार्थ कुशवाहा इस घटना को लेकर के धरने पर बैठे हैं। उन्होंने मांग की है कि थाना प्रभारी उनके सहयोगियों पर 302 की धारा का मुकदमा दर्ज किया जाए और उसकी बेटी को सरकारी नौकरी और उस परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जाए। इसको लेकर के वो अभी तो सतना में धरने पर बैठे हैं। अगर शासन ने हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया तो हम इसको व्यापक रूप देकर के पूरे प्रदेश में इसको एक आंदोलन का रूप देंगे। जब तक सरकार उस परिवार को न्याय नहीं देती, अपराधियों के खिलाफ 302 का मुकदमा कायम नहीं करती, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। हम सरकार की ईंट सीट बजा देंगे। इसलिए हम सरकार से पुनः अनुरोध कर देना चाहते हैं कि इस घटना में उस पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए।